हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे TGT SST में इकोनॉमिक्स के बारे में, और ये मेरी एजुकेशन है। आप इसके बारे में जान सकते हैं कि आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं वो कौन हैं, क्या करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ताकि आप भी जान सकें कि ये पूरा चैनल किस पर बेस्ड है। तो चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे TGT SST के इकोनॉमिक्स पार्ट में चैप्टर 2 की, जिसका नाम है उपभोग यानी कि कंजम्पशन। इसमें हम आज चर्चा करेंगे मांग के नियम, मांग की लोच, उपयोगिता विश्लेषण, अधिमान, तटस्थता। इससे संबंधित हम लगभग 100 MCQ की चर्चा करेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको आगे बढ़ूं, मैं बता दूं आपको कि इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, मांग का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। मांग का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो इसमें ये जो आवश्यक अथवा प्रभावी इच्छा है, निश्चित कीमत है, निश्चित समयावधि है, ये सभी ही मांग के महत्वपूर्ण तत्व हैं। ये जो उपयुक्त सभी है, इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, व्युत्पन्न मांग यानी कि ड्राइव्ड डिमांड कहा जाता है, यानी कि व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। अब जब एक वस्तु की मांग प्रत्यक्ष रूप से की जाती है, जब एक वस्तु की मांग स्वयं दूसरे वस्तु को जन्म दे, या जब मांग की कीमत जुड़ी हो, तो डिराइव्ड डिमांड याद रखें, जब एक वस्तु की मांग स्वयं ही दूसरी वस्तु को जन्म दे तो डिराइव्ड डिमांड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आड़ी या तिरछी मांग से तात्पर्य। आड़ी या तिरछी मांग जब भी प्रश्न आ जाए, तो आप सीधा ही वस्तु की उस मांग से है जो अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। जब भी कीमत में परिवर्तन लिखा हो, तो यानी कि समझ जाइए आड़ी या तिरछी मांग से तात्पर्य है। हीन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव, हीन वस्तु के लिए आय प्रभाव क्या है, ऋणात्मक होता है हीन वस्तुओं के लिए। अगला प्रश्न है, मांग के नियम के अंतर्गत वस्तु का मूल्य स्वतंत्र चर होता है, वस्तु का मांग मात्रा परतंत्र चर होता है, या वस्तु की कीमत एवं उसकी मांग के बीच विपरीत संबंध का अध्ययन किया जाता है, यह उपयुक्त सभी। पांचवें प्रश्न में ये ऊपर की तीनों चीज़ें ही आती हैं, मांग के नियम में यानी कि उपयुक्त सभी ही सही उत्तर है इसका। मांग की वृद्धि से अभिप्राय क्या है, मांग की वृद्धि से यह अभिप्राय है कि दूसरे मांग वक्र पर स्थानांतरित होने के कारण उपभोग की अधिकता। मांग की वृद्धि से अभिप्राय है दूसरे मांग वक्र पर स्थानांतरित होने के कारण उपभोग की अधिकता। ये जितने भी MCQ मैं करवा रहा हूँ, ये आपको TGT SST में किसी ना किसी स्टेट KVS NVS DSSSB कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, काफ़ी काम आएंगे आपके। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7 है, मांग के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अपवाद नहीं है। एक्सेप्शनल की बात हो रही है, सीमांत उपयोगिता, उपयोगिता का नियम की क्रियाशीलता, गिफिन वस्तुओं की स्थिति, कीमतों में लगातार वृद्धि या कमी, या आवश्यक वस्तुएं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सीमांत उपयोगिता नियम की क्रियाशीलता। मांग वक्र का ढाल, मांग वक्र की अगर हम बात करें, मांग वक्र का ढाल से संबंध है, घनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होती हैं। मांग वक्र क्या है, घनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों ही है। मांग का नियम, जब भी मांग के नियम की बात की जाए, तो मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। कुछ घटिया वस्तुओं जैसे इन्फीरियर गुड्स की कीमत गिराने पर प्रायः उनकी मांग बढ़ने के बजाय घटती है, इसका कारण क्या है। कुछ घटिया वस्तुओं की कीमत गिराने पर
प्रायः उनकी मांग बढ़ने के बजाय घटती है। इसका कारण है गिफिन का विरोधाभास। गिफिन इससे संबंधित एक लेखक हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया है गिफिन का विरोधाभास। मांग की लोच की सीमाएं कौन सी हैं? एक से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर 11वें प्रश्न को देखें तो 11वें प्रश्न में जीरो से लेके इन्फिनिटी ही इसका सही आंसर है। मांग की लोच की सीमाएं कौन सी हैं? जीरो से इन्फिनिटी। मांग की लोच, मांग की लोच क्या है? मांग की लोच वस्तु की प्रकृति के आधार पर बदलती है। वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग के मध्य विपरीत संबंध का कारण है। उसके विपरीत संबंध का कारण सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, ये तीनों ही है, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रायः आवश्यकता की वस्तुओं तथा रस्मी आवश्यकताओं की वस्तुओं यानी कि कन्वेंशनल की मांग का लोच क्या है? बेलोचदार होती हैं। आवश्यकता की वस्तुओं तथा रस्मी आवश्यकताओं की वस्तुओं की मांग का लोच बेलोचदार होती हैं। पूर्ण उपयोगिता के अंतर्गत एक फर्म के लिए मांग वक्र क्या है? पूर्णतः लोचदार होता है। पूर्ण स्थानापन वस्तुओं में मांग की आड़ी लोच, पूर्ण स्थानापन वस्तुओं में मांग की आड़ी लोच अनंत होती है। निम्न कोटि की वस्तुओं यानी कि इन्फीरियर गुड्स में आय लोच ऋणात्मक होता है। यदि मांग की आय लोच इकाई से अधिक है तब वह वस्तु क्या होती है? तब वह वस्तु विलासिता की वस्तुएं हैं। यदि मांग की आय लोच इकाई से अधिक है, दो निकट स्थानापन वस्तुएं यानी कि लॉस सब्स्टिट्यूशन में मांग की प्रतिस्थापन लोच इकाई से अधिक होगी। यदि दो वस्तुएं स्वतंत्र हैं तब उनके मध्य प्रतिस्थापन की मांग लोच इकाई से कम होगी। एक ही मांग वक्र के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मांग लोच बदलती रहती है। कीमत मांग वक्र कीमत के विभिन्न स्तरों पर मांग की विभिन्न मात्राओं को व्यक्त करती है। मांग में सम्मिलित है, मांग में क्या क्या सम्मिलित है? मांग में वस्तु की प्रभावी इच्छा, साधन की उपलब्धता, वस्तु को खरीदने के लिए साधनों को व्यय करने की तत्परता, ये सभी शामिल है, यानी कि उत्तर डी। स्थानापन वस्तुओं की स्थिति में एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप क्या होता है? दूसरी वस्तु की मांग में तेजी से वृद्धि होती है। मांग के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अपवाद नहीं है? सीमांत उपयोगिता नियम की क्रियाशीलता, ये अपवाद नहीं है। अन्य बातों के समान रहने पर जब एक वस्तु की कीमत घटती है तब परिणाम होता है मांगी गई मात्रा में वृद्धि। उत्पत्ति के साधन की मांग क्या होती है? उत्पत्ति के साधन की मांग व्युत्पन्न मांग है। एक्स वस्तु की स्थानापन वस्तु एवं पूरक वस्तु दोनों की कीमतें बढ़ती हैं तब वस्तु एक्स की मांग क्या होगी? उपयुक्त सभी दशाएं संभव हो सकती हैं। कृषि उत्पादन में अधिक वृद्धि होती है और संपन्नता दिखाई देती है, किंतु फिर भी इस संपन्नता के बीच किसान गरीब रह सकते हैं, क्योंकि उत्पादक वस्तु की मांग का मांग की लोच क्या है? अत्यधिक लोचदार है। यदि कीमत में वृद्धि या कमी होने पर कुल व्यय स्थिर रहता है तब मांग की लोच
तब मांग की लोच क्या है इसमें, इसमें तब मांग की लोच होगी इकाई के बराबर। मांग की आड़ी लोच का सूत्र क्या है, मांग की आड़ी लोच का सूत्र, मांग की आड़ी लोच का सूत्र है x वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन y वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। एक साधन की मांग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, वस्तु की मांग जिसमें कि वह प्रयुक्त किया जाता है। मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय किसको जाता है, रॉबर्ट ट्रिफिन को। एक्स कक्ष के लंबवत मार्ग वक्र को संबंध क्या है, इसका संबंध है शून्य मांग लोच से। बिजली की मांग लोचपूर्ण है क्योंकि इसके अनेक वैकल्पिक प्रयोग हैं। पेट्रोल और स्कूटर के बीच मांग की आड़ी लोच क्या है, पेट्रोल और स्कूटर के बीच मांग की आड़ी लोच कम होगी। स्वतंत्र वस्तुओं यानी कि इंडिपेंडेंट गुड्स में मांग की आड़ी लोच शून्य होती है। संयुक्त मांग यानी कि जॉइंट डिमांड वाली वस्तुओं में आड़ी लोच ऋणात्मक होती है। मांग लोचपूर्ण होगी जब, मांग कब लोचपूर्ण होगी, जब कीमत में छोटा परिवर्तन मांग में बड़ा परिवर्तन करता है। मांग में वृद्धि से अभिप्राय, मांग में वृद्धि से अभिप्राय, इसमें वृद्धि से अभिप्राय है दूसरे मांग वक्र पर स्थानांतरित होने के कारण। जब किसी वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो ऐसी दशा को अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। मांग के संकुचन एवं विस्तार में मांग वक्र बदल जाता है। किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है और उसकी मांग ठीक 20% की कमी हो जाती है तो ये है इकाई के बराबर लोचदार मांग कहलाएगी। प्रायः आवश्यकता की वस्तुएं तथा रस्मि आवश्यकताओं की वस्तुओं की मांग की लोच वे लोचदार होती है। कुछ घटिया वस्तुओं की कीमत गिरने पर प्रायः उनकी मांग बढ़ने के बजाय घटती है, गिफिन का विरोधाभास। मांग की लोच ऊंची कीमतों के लिए अत्यधिक होती है, मध्यम कीमतों के लिए मध्यम होती है तथा जैसे जैसे कीमत घटती जाती है वैसे वैसे लोच भी घटती जाती है। पर किंतु यदि कीमतें इतनी गिरी कि तृप्ति की सीमा आ जाए तो लोच पूर्णतः बेलोचदार हो जाते हैं। मांग की लोच सभी परिस्थितियों में एक समान होती है, वस्तु की प्रकृति के आधार पर बदलती है, वस्तु की प्रकृति से प्रभावित होती है या सभी, इसमें वस्तु की प्रकृति के आधार पर बदलती है। मांग की लोच एक गुणात्मक कथन है या परिणात्मक कथन है, या गुणात्मक एवं परिणात्मक दोनों है, ना गुणात्मक है ना परिणात्मक है, तो इसका सही उत्तर है परिणात्मक कथन है बी। निम्नलिखित में से कौन, किसमें क्रय शक्ति का उपस्थित होना आवश्यक नहीं होता, किसमें क्रय शक्ति का उपस्थित होना आवश्यक नहीं होता, इच्छा का। निम्न में से किसका क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत है, इच्छा का। तो इस तरह हमारा पार्ट वन उपभोग यानी कि कंजम्पशन का ख़त्म होता है। पार्ट सेकंड 51 से 100 तक आपको जल्द ही वीडियो मिलेगी। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। धन्यवाद।